हे गाइस, दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो SRF के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट एनी वीडियो। सो दिस इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स ईवी। मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्यों यार, क्यों, व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। लास्ट वीक हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन था जिस वजह से मैं पिछले हफ्ते का फ्यूमो ईवी न्यूज़ वाला वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं हमेशा की तरह 2 वीडियोस पर वीक डालता रहूँगा। आपको हमेशा की तरह 2 वीडियोस पर वीक देखने को मिलेंगे, तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक US बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइटनिंग, जिन्हें टेस्ला ऑफ मोटरसाइकिल्स कहा जाता है, और इस कंपनी ने बनाई हुई LS218 मोटरसाइकिल के बारे में इन डेप्थ बात की थी, जो 2012 से लेकर आज भी फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का टाइटल होल्ड करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ओके? उसी वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि लाइटनिंग की मोटरसाइकिल्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। वो इस वक्त इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई मोटा पार्टी ईवी एंथुजियास्ट इन गाड़ियों को हेवी प्राइस प्रीमियम के साथ इंडिया में इम्पोर्ट करवाना चाहे तो वो इन गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एक्चुअली उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है और जीरो SRF उन्हीं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में से एक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स टॉक अबाउट जीरो मोटरसाइकिल्स। तो एज ऑलवेज मैं इस वीडियो की शुरुआत जीरो मोटरसाइकिल्स के शॉर्ट हिस्ट्री के साथ करना चाहूंगा एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्यूचर प्लान्स एंड करंट लाइनअप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और हमेशा की तरह अगर आप जीरो मोटरसाइकिल्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी रखते हैं एंड यू वांट टू स्किप टू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट जीरो SRF, तो ऐसे व्यूअर्स के लिए मैं वीडियो में एक टाइम कोड डाल दूंगा। अभी आपको स्क्रीन पर एक टाइम कोड दिख रहा होगा, आप चाहे तो वहां से इस वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। एंड फॉर एवरीवन एल्स, लेट्स नाउ गेट इनटू द हिस्ट्री एंड ओरिजिन स्टोरी ऑफ जीरो मोटरसाइकिल्स। जीरो मोटरसाइकिल्स इज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर, जिसे पहले इलेक्ट्रिक क्रॉस इस नाम से जाना जाता था। इस कंपनी को 2006 में नील सेकी नाम के एक फॉर्मर नासा इंजीनियर ने शुरू किया था एंड इट वॉज फाउंडेड इन सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया। उन्होंने 2010 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था जीरो S, और इसी ईवी के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड और 2 EVs को उन्होंने अवेलेबल कर दिया था, जिनके नाम थे जीरो DS, जो एक स्मॉल साइज्ड कम्यूटर बाइक थी और इसमें रिमूवेबल बैटरी दी जाती थी, एंड जीरो XU, जो जीरो DS पर ही बेस्ड एक डर्ट बाइक थी। फिर 2012 में उन्होंने जीरो DS और जीरो S मॉडल्स के लिए एक नया बैटरी पैक इंट्रोड्यूस किया, जिसे ZF9 पावर पैक ऐसा नाम दिया गया था। इस पावर पैक की बदौलत जीरो की गाड़ियों में पहली बार 100 माइल्स या फिर 160 किलोमीटर की EPA एस्टिमेटेड रेंज मिलना शुरू हो गई, विच मेड देम फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मेकर टू क्रॉस दैट रेंज बैरियर। फिर 2013 में जीरो S और DS को कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया,
और बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करके 11.4 किलोवाट आवर की कैपेसिटी और एक नई ब्रशलेस परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर को भी ऑफर किया गया। 2014 में जीरो मोटरसाइकिल्स ने जीरो एसआर को अनवेल किया, जो जीरो एस का ही एक हायर परफॉर्मेंस वर्जन था। उसके साथ ही उन्होंने एक नया 2.8 किलोवाट आवर का ऑप्शनल पावर टैंक देना शुरू कर दिया, जिससे उनके ईवीज की रेंज और भी ज़्यादा एक्सटेंड होना शुरू हो गई। इन 2015 द बैटरी पैक वॉज अगेन इंक्रीज्ड टू 12.5 किलोवाट आवर, जो ऑप्शनल पावर टैंक के साथ वॉपिंग 15.3 किलोवाट आवर की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफर करता था। 2016 से लेकर 2020 तक जीरो मोटरसाइकिल्स ने DSR, FXS, SRF और SRS को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी प्रोडक्शन में है। अगर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें तो जीरो मोटरसाइकिल्स ने उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। आई मीन इवन देयर वेबसाइट डज नॉट शो एनी प्लान्स एंड इट जस्ट सेज एंड आई कोट, एट द राइट टाइम एंड प्लेस जीरो विल लेट द वर्ल्ड नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। जीरो विल नॉट रिवील व्हाट्स इन इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन विदाउट एंश्योरिंग दैट दोज प्रोडक्ट्स विल बी मूव्ड rapidly into customers' hands, end quote. I don't want to pass any judgments on why this could be a bad idea, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा decision लिया है तो शायद वो उनके R&D और future products को secretly grow करना चाहते हैं, which is completely fine. आज का history lesson और background info थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन जीरो मोटरसाइकिल्स इज डूइंग सम फिनोमिनल जॉब और उनके बारे में जानकारी रखना आप और मेरे जैसे ईवी एंथुसियास्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इनफ विद द कंपनीज इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीरो SRF। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट विथ हाउ द जीरो SRF लुक्स। ये एक नेकेड स्पोर्ट स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है, जिसे एक लाइटवेट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर डिजाइन किया गया है और एक कस्टम मेड स्विंग आर्म के साथ स्पोर्टी लुक दिया गया है। इस गाड़ी में हमें आगे की तरफ अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं और पीछे की सस्पेंशन ड्यूटी संभालने के लिए शोवा सस्पेंशन को यूज किया गया है। इसमें एडजस्टेबल स्प्रिंग प्रीलोड, कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग अवेलेबल है, जिससे इस ईवी की स्टेबिलिटी और ओवरऑल हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है एंड द राइडर कैन फाइन ट्यून हिज ओन सेटिंग्स टू मेक हिज राइडिंग एक्सपीरियंस बेटर। जीरो SRF का डिज़ाइन एक कन्वेंशनल IC मोटरसाइकिल की तरह रखा गया है, विच मीन्स दैट इट हैज़ अ शेप लाइक फ्यूल टैंक एंड राइट बिलो दैट टैंक इस गाड़ी के बैटरी को प्लेस किया जाता है। इस बैटरी पैक के ठीक पीछे यानी रियर सस्पेंशन के नीचे हमें जीरो की इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट AC मोटर देखने को मिलती है। जीरो SRF के फ्रंट में 320mm की ड्यूल डिस्क और रियर में 240mm की डिस्क देखने को मिलती है। इसमें फ्रंट व्हील में पिरेली डियाब्लो रोसो 3 के 120/70 17 इंच टायर दिया गया है और रियर में पिरेली डियाब्लो रोसो 3 180/55 17 इंच टायर दिया गया है। जीरो SRF गेट्स साइफर 3, विच इज जीरोज प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से इस ईवी के परफॉर्मेंस को सीमलेसली और प्रिसाइजली वर्क करने में हेल्प करती है। इसमें हमें चार राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, विच आर स्ट्रीट, स्पोर्ट, इको एंड रेन। और इसके साथ साथ अगर राइडर कोई कस्टम मोड को सेट करना चाहे तो उसमें 10 कस्टम मोड्स का ऑप्शन भी दिया गया है। सो नाउ दैट आई हैव कवर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ दिस मोटरसाइकिल लुक्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, रेंज एंड ऑल अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। जीरो SRF, लाइक आई मेंशन बिफोर, गेट्स अ PMAC मोटर दैट प्रोड्यूसेस 110 horsepower या फिर 82 kilowatts of peak power and can go up to 5000 RPM। और इसमें
140 पाउंड फीट या फिर 190 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। इस गाड़ी का टॉप स्पीड 124 माइल्स पर आवर या फिर 200 किलोमीटर पर आवर का है और इसे 0 टू 100 kmph का एक्सेलरेशन अचीव करने में वेट फॉर इट सिर्फ 3.7 सेकंड्स लगते हैं, विच इज इनसेनली फास्ट। इसमें हमें 12.6 किलोवाट आवर की स्टैंडर्ड बैटरी दी जाती है जो 160 माइल्स या फिर 257 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें एक ऑप्शनल पावर टैंक भी मिलता है जो उसी जगह पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर कन्वेंशनल आईसी मोटरसाइकिल्स में फ्यूल टैंक होता है, एंड दिस एक्सटेंड्स द बैटरी कैपेसिटी टू 14.4 किलोवाट आवर जो इस ईवी को 200 माइल्स या फिर 322 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ऑफर करने में हेल्प करती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए दो तरह के चार्जर्स दिए जाते हैं जिसमें 3 किलोवाट और 6 किलोवाट के ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 किलोवाट के चार्जर के साथ 0 SRF 4 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है और 6 किलोवाट के चार्जर के साथ इसे लगभग 1.5 आवर्स का टाइम लग जाता है। दिस इज सम एडवांस चार्जिंग टेक और इससे राइडर्स को रेंज एंग्जाइटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अब फाइनली हम मुद्दे की बात पर आते हैं, विच इज द प्राइस। US में 0 SRF की प्राइस 18,995 से लेकर 12,995 US तक रखी गई है और अगर कोई इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट करना चाहे तो उसमें GST और इंपोर्ट ड्यूटीज अलग से पे करनी पड़ेंगी। दिस इज अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक जो अच्छे अच्छे आईसी मोटरसाइकिल्स को भी मात दे सकती है विदाउट एमिटिंग एनी पोल्यूटेंट्स एंड कॉस्टिंग वेरी लो ऑन चार्जिंग। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और मैं इस बाइक को मेरी ड्रीम बाइक मानता हूँ। लेकिन क्या आप इस बाइक के फीचर्स को देखकर इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? मुझे आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे कॉन्टेंट या मेरे वीडियोज़ को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।